हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम हकार सिंह। डियर फ्रेंड, देखिए आपको चैप्टर नंबर 20 चल रहा है, यूज़ ऑफ नॉन फिनिट फॉर्म ऑफ वर्ब। इससे पहले हम इसी चैप्टर नंबर 20 में आपको जो है फिनिटिव वर्ब और जीरंड करा चुके हैं। आज देखिए इसमें पार्टिसिपल होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा एक बार फिर कि आप जो हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अब इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें। ओके, तो कम टू द पॉइंट। पार्टिसिपल, पहचान। यदि किसी वाक्य में एक मुख्य क्रिया फिनिट वर्ब के अतिरिक्त दूसरी ऐसी क्रिया हो जिसके अंत में हुआ, हुए, हुई, कर आदि शब्द लगे हों, तब वह क्रिया पार्टिसिपल कहलाती है। नंबर दो, पार्टिसिपल सदा वर्ब से बनता है, परंतु एक ही समय में वह वर्ब तथा एडजेक्टिव का काम करता है, अर्थात किसी नाउन की विशेषता बताता है। अतः पार्टिसिपल एक वाक्य में किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से संबंधित होता है और उसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ यह रखा जाता है। पार्टिसिपल का तीन प्रकार से प्रयोग होता है, निम्न दो वाक्यों को पढ़ो। देखिए नंबर एक, कमरे में बैठे हुए मैंने एक भिखारी को देखा। मैंने एक भिखारी को कमरे में बैठे हुए देखा, यानी कि एक ही सेंटेंस को हमने दो टाइप से कह दिया और सेंटेंस एक ही है। ठीक है, जैसे कि परफेक्ट में हम सेंटेंस बनाते हैं, सेम वही सेंटेंस ये चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, दोनों वाक्यों में मुख्य क्रिया देखा शा सब्जेक्ट मैंने आई के लिए है, वाक्य दो में बैठे हुए का संबंध ऑब्जेक्ट भिखारी से है। अतः वाक्य नंबर एक में पार्टिसिपल आई की तथा वाक्य नंबर दो में बेगर की विशेषता बताता है। अब देखिए पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। अब देखिए पहचान। नंबर एक, हिंदी वाक्य में पार्टिसिपल की क्रिया में हुआ, हुए, हुई या कर लगा होता है। और नंबर दो, प्रेजेंट पार्टिसिपल में पार्टिसिपल की क्रिया तथा मुख्य क्रिया के होने के समय में तनिक भी अंतर नहीं होता, अथवा ये क्रियाएं एक ही समय में हो जाती हैं। जैसे नंबर एक, कमरे में बैठे हुए मैंने एक भिखारी को देखा, तो सिटिंग इन द रूम आई सा ए बैगर। अब देखिए यही सेंटेंस, मैंने एक भिखारी को कमरे में बैठे हुए देखा, तो आई सा ए बैगर सिटिंग इन द रूम। ओके, अब देखिए नंबर दो, परफेक्ट पार्टिसिपल, यानी कि हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, जहाँ एक कार्य पूर्ण हो चुकने के पश्चात दूसरा कार्य शुरू होता है, वहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। निम्न वाक्यों को पढ़ो। नंबर एक, खाना खाकर मैंने आराम किया, तो हैविंग ईटन द फूड आई टुक रेस्ट। सेकंड है, कार्य समाप्त करके लड़के खेलने लगे, तो हैविंग फिनिश्ड द वर्क द बॉय बिगेन टू प्ले। अब देखेंगे थर्ड जो है पास्ट पार्टिसिपल। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, दूसरा परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया, थर्ड आपका पास्ट पार्टिसिपल।
पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। पहचान नंबर एक, हिंदी वाक्य में जब किसी वर्ब के अंत में हुआ, हुए, हुई, कर का प्रयोग होता है तो अंग्रेजी में अनुवाद करने में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। नंबर सेकेंड, पास्ट पार्टिसिपल में एक कार्य पहले तथा दूसरा कार्य बाद में होता है, किंतु पहले वाला कार्य पूर्ण नहीं हुआ, उसके समाप्त होने से पूर्व ही दूसरा कार्य शुरू हो गया, वहाँ पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। जैसे एक जला हुआ बच्चा आग से डरता है, ए बर्न चाइल्ड डीड्स द फायर। सेकंड है, भूख से व्याकुल होकर बच्चे ने दूध मांगा, तो ड्राइवन बाई हंगर द चाइल्ड आस्क फॉर मिल्क। थर्ड है, अपने मित्रों द्वारा धोखा खाकर वह निराश हो गया, डिसीव्ड बाई हिज फ्रेंड्स ही बिकम होपलेस। तो डियर फ्रेंड्स, आज यूज़ ऑफ नॉन फिनिट फॉर्म ऑफ वर्ब्स में आपका जो पार्टिसिपल है वो कंप्लीट हो गया है। उससे पहले आपको हम इन्फिनिटिव, जीरेंड और आज पार्टिसिपल सब करा चुके हैं। तो इस चैप्टर को आप इन प्रत्येक वीडियो को एक से दो बार देखेंगे तो आप अच्छी तरीके से इन्हें समझ लेंगे और इनका यूज़ अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं। और जो आपके पास जो भी बुक्स हैं उन बुक्स की एक्सरसाइज को आप आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ इन वीडियो को शेयर करते रहिए। ओके, गुड बाय।